हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? नमस्ते, जय हिंद। थैंक यू सो मच कि आप सब लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हो रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मैं आज थोड़ा सा एक इस टॉपिक पे बात करूंगा कि स्टॉक्स जो हैं उतनी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जितना उनको करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में वो मूव नहीं आ रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं इंडाइसी से बना हुआ है, साइडवेज का मूव बना हुआ है। तो जहां भी साइडवेज का मूव बनता है ना, ये काफी लंबा होता है। आज मैं छोटा सी चीज बताता हूं आपको, ध्यान देना। देखो, कोई भी साइडवेज का मूव होता है तो उसमें कम से कम 90, अगर वो डेली के टाइम फ्रेम पर है तो 90 डेज लेगा। कम से कम ये 90 डेज तक जो है प्राइस जो है डेली के टाइम फ्रेम पर कर रहे हो तो 90 डेज का उसका मिनिमम वो टाइम पीरियड है, मतलब 90 डेज वो आपका साइडवेज में रहेगा। तो अगर अगर आप 75 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हो या आवरली टाइम फ्रेम लेते हो या 50 मिनट का टाइम फ्रेम आता है तो आप उसको 90 बार्स करोगे, है ना। जो ये कैंडल चल रहे ना, एक दो तीन चार पांच चार, तो जो साइड वेज कह लो या फिर ट्रायंगल कह लो। इनफैक्ट आप अब ये भी देख सकते हो कि हिंदुस्तानी यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है और यहाँ पर 90 डेज से ज्यादा है और ये डबल करेक्शन का चार्ट है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो ये भी कहीं ना कहीं साइड वेज है, मतलब कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है कभी। तो इसको मैंने पूरा इन डिटेल स्टडी किया है, मैंने इसका इन डिटेल। तो 90 डेज तक स्टॉक्स में मतलब मूव नहीं आएगा, इस चीज को नोट करके ले लो अगर साइडवेज में है तो। और वैसे भी बजट का टाइम है, बजट का तैयारी, बजट का टाइम नहीं, बजट की तैयारी चल रही है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बजट के बाद ही कोई अच्छा खासा मूव होगा। तो मैं आप लोग से यही बोलूंगा कि बजट के पहले पहले अगर आपके स्टॉक्स हैं तो उसको थोड़ा सा खाली कर लेना, क्योंकि एक वाइल्ड मूव आएगा और हो सकता है कि इस वाइल्ड मूव में आप फंस भी सकते हो। तो बजट से पहले पहले आप कोशिश करना कि इसको रिसर्च करना, इसको आप रीड कर लेना। लेकिन आप ना अगर पोजीशन बना रहे हो तो एकदम लाइट बना रहते हैं, ठीक है। देखो क्या है कि जैसे कि मान लो कि जैसे ये देख सकते हो कि मैंने इसमें क्या किया, मैंने काउंटिंग है यहां से शुरू किया है, ए बी सी करते मैंने इसको ए लिया है, इसको बी लिया है और इसको सी लिया है। ब्लू कलर का आप एबीसी देख सकते, ब्लू कलर का आप एबीसी देख सकते हो, एबीसी बनाते हुए इंडियन डायगोनल दे रखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पर बहुत बढ़िया इंडियन डायगोनल बना हुआ है। और एबीसी मिलाकर यहाँ पर येलो कलर का मैंने ए दे रखा है, मतलब ये बहुत बढ़िया फ्लैट करेक्शन एक कंप्लीट हो चुका है, बहुत बढ़िया है। अब हम या तो इसको डब्ल्यू रख लें या तो फिर इसको हम लोग ए रख लें। तो मैंने इसको येलो कलर, येलो कलर में इसको मैंने ए रखा हुआ है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तीन मूव दिख रहा था, 1 2 3 4 5 करते हुए यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है और सी पॉइंट। तो फिर से मैंने इसको बी किया। क्यों बी किया? क्योंकि जब मैं ड्रॉ कर रहा था, जब मतलब टेन लाइन जीरो और बी के टेन लाइन ड्रॉ कर रहा था, जाके प्राइस एग्जैक्ट यहीं पर रुक रहा है, तो ये मुझे मैंने इसको ना बी किया हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला ए और ये वाला बी मतलब एक ही है, ठीक है। और ये जो नेचर चल रहा है ना, ये जो नेचर चल रहा है, ये आपका सी चलेगा, मतलब नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर सी लिख रखा मैंने, ये सी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो नेचर बनने, मतलब ये जो मूव बन रहा है आने वाला टाइम पर, यहां तक का मूव बन सकता है, 2276 तक का डाउन ट्रेंड बन सकता है। लेकिन इसके लिए भी क्या करना है, करना ये है कि ये जो भी स्मॉलर टाइम फ्रेम जो सबॉर्डिनेट काउंट हो रहे हैं, तो आप देखो कि सबॉर्डिनेट में मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ना यहां पर रखा हुआ है, ये पूरा एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन पर प्राइस जो है खड़ा हुआ है। तो अभी क्या करना है, सुन लो, अभी अगर इनके डाउन ट्रेंड मिलता है, जैसे कि मान लो कि ये 61.8% के आसपास, 2564 अभी 26 चल रहा है, और जो है अगर आपको कभी रेट मिल जाए 2564 या फिर ये कह लो कि 2580 के आसपास भी अगर रेट मिलता है तो आप इसको ना फिलहाल के लिए बाय करो। बाय इसलिए करना है क्योंकि ये बहुत बढ़िया सपोर्ट ले रखा है, तो और ये बाय करोगे ना तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पर ये 2632 और 2632 और 40 के आसपास तक जाने का चांस है। ये ट्रेंड लाइन का एक रेसिस्टेंस यहां पर फेस करेगा। क्यों ये बनेगा? क्योंकि ये आपका वन बनेगा, ये टू बना हुआ है, और ये वन टू मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर ये थर्ड का, जैसे कि ये थर्ड का वन हो गया, थर्ड का सेकंड बनेगा और थर्ड का सी बनेगा, थर्ड थर्ड का थ्री बनेगा, फिर फोर, और इस तरह से फाइव करते हुए प्राइस जो है यहां पर आके प्राइस को लीड करेगा, 1 2 3 4 5 करते हुए। तो करना क्या है आपको, यहां पर दो रास्ते हैं। पहला रास्ता मैं आपको बता रहा हूं कि आप लाइट बाय करते हो तो लाइट बाय करना 2564 के आसपास, और आप इसको 2632 तक बुक कर सकते हो, और ट्रेंड लाइन का स्टॉपस रखना, मतलब अगर प्राइस जो है आपका इसके ये आपका स्टॉपस रहेगा, ये टिगर किया तो ऐसे ही करेक्शन शुरू हो जाएगा, और नहीं तो प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन को जरूर टच करेगा। और यहाँ पर क्या करना है, सेल करना है, यहाँ पर आपको सेल करना है 2632 के आसपास, और ये आपका स्टॉपस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये प्राइस जो टूट के डाउन ट्रेंड में मूव आएगा, ठीक है। आप इस
चार्ट को डबल फ्लैट करेक्शन के तौर पर ले सकते हो और इसको आप अपने चार्ट पर कॉपी करना, इसको समझने की कोशिश करना कि मैंने इसको काउंटिंग कैसे किया मैंने, ठीक है। इसका मेन पर्पज यही था कि मैं आपको समझा सकूं कि डबल फ्लैट करेक्शन कैसे बनते हैं, ठीक है। और जो लोग भी भाई बहन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं उनको बता दूं कि केवल 3 दिन रह गया है, आज 24 है, 25 है और 26 को ये ऑफर क्लोज हो जाएगा, उसके बाद प्राइस जो है बढ़ जाएगी। तो अगर अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जरूर करा लें। इस चार्ट का पढ़ना और समझना, कमेंट करके जरूर बताना क्या समझा आपने। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।